फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल एनाबेसिस द लर्निंग हब में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से होंगे, अपनी सेहत और अपनी स्टडीज़ का अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपने डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रोसेसेस को थोरोली इंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स रिलेटेड एक सेट ऑफ क्वेरीज को, जिसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये जानना चाहते थे कि जो इनकम क्राइटेरिया मेंशनड है, 8 लाख का जो इनकम क्राइटेरिया है, उसमें जो सैलरी और वेरियस सोर्सेस से इनकम है, ये किसकी होती है, पेरेंट्स की होती है या उसमें कैंडिडेट की खुद की भी इनकम ऐड होती है, ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। इसका लिंक मैं आई बटन में दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू, जिसके लिए भी काफ़ी सारे क्वेरीज रेज हुए हैं मेरे वीडियोज पे, और वो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के रूल्स फॉर मैरिड वीमेन, यानी जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी शादी हो गई है और उसके बाद किस तरह से वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को के सर्टिफिकेट को अवेल कर सकते हैं। एक बार पहले सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद फिर रूल्स को समझेंगे। अभी जो मैं क्वेरीज आपसे डिस्कस करूंगा, आप भी देखिए कि अगर आपकी भी क्वेरी इस तरह की है तो आपको भी आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए जुड़े रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। पहली क्वेरी है, आई लव इंडिया, इन्होंने बोला कि क्या मैरिड वीमेन का एनसीएल और इनकम बनाते समय फॉर्म में पति का भी इनकम शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेरी है अव्य राय की, जिसमें अव्य राय पूछना चाहती है कि उनकी शादी हो गई है तो अब वो इनकम जो ओबीसी एनसीएल के लिए किसकी इनकम शो कर रहेंगे, अपने फादर की, हस्बैंड की, और वो चूंकि खुद भी वर्किंग है तो क्या उनकी खुद की इनकम उसमें शामिल होगी। विजेता मौला पूछते हैं कि ने बोला कि उनकी खुद की, वो वर्किंग है, उनकी खुद की एनुअल इनकम तो 8 लाख से कम है लेकिन हस्बैंड की 8 लाख से ज़्यादा है, तो वो जानना चाहती हैं कि क्या वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर पाएंगे या नहीं। जितो मोना का एक और क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने बोला कि वो ग्रुप सी में है और उनके हस्बैंड ग्रुप ए में है, तो क्या वो ओबीसीएल अपने लिए बनवा सकती हैं। तो इनके दो पार्ट हो गए, एक तो सैलरी से रिलेटेड हो गया और दूसरा इनका कि इनकी खुद की जॉब ग्रुप सी में है और इनके हस्बैंड ग्रुप ए में है, तो इनके प्रपोजिशन क्या होंगे ओबीसी एनसीएल के लिए। माधुरी कुमारी बोलती हैं कि आई एम मैरिड एंड वॉन्ट टू अवेल माई ओबीसी एनसीएल फ्रॉम माई स्टेट, माई कास्ट कम्स अंडर ओबीसी एंड फादर इनकम कम्स अंडर द स्लैब ऑफ अंडर 8 लाख, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस मुझे कहाँ का एड्रेस देना होगा। शिवानी बोलती है कि आफ्टर मैरिज कौन कौन सी सर्टिफिकेट ओबीसी एनसीएल बनाने में लगेगी और हस्बैंड के साइड से भी कोई पेपर चाहिए होता है क्या। डी सिंह बोलते हैं कि सर कृपया ये बताएं कि विवाहित स्त्री के की बीसीए की नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाने में इनकम की गणना माता पिता की जाएगी या पति की। यह भी बताना है कि उसका पति यदि 6 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाला राज्य सरकार का कर्मचारी है तो क्या वह औरत बीसीए नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा कर लाभ उठा सकती है या। स्वाति धीमान बोलती है कि सर आई एम ओबीसी एंड मैरिड टू एनसीएल हस्बैंड, यानी उनके हस्बैंड नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो इनकम बेस्ड किसका होगा, फादर का या हस्बैंड। निशा वर्मा बोलती है कि एनसीएल रिन्यूअल के लिए हस्बैंड का इनकम स्टेटमेंट मांग रहे हैं आफ्टर मैरिज दिल्ली करोलबाग एसडीएम ऑफिस में, क्या ये सही है, दे दूं मैं हस्बैंड की जो डिटेल्स हैं। ये दोस्तों, ये सारी क्वेरीज पढ़ने के बाद हम इसको ऐसे समराइज करते हैं कि कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स ये जानना चाहती हैं कि शादी के बाद जो इनकम यूज होनी है वो किसकी होगी, फादर की या हस्बैंड की, उनका स्टेटस क्या रहेगा शादी के बाद, अगर वो शादी के पहले एनसीएल से बिलोंग करती थी तो शादी के बाद उनका वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। और ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे एक नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट, उनकी शादी होती है जनरल कैंडिडेट से तो शादी के बाद उनका क्या स्टेटस रहेगा, और वाइस वर्सा भी होता है कि जनरल कैंडिडेट एनसीएल हस्बैंड से शादी करती हैं तो उनका स्टेटस क्या रहेगा, और जो डिटेल्स हैं वो किसके यूज करेंगे, फादर की या हस्बैंड की। तो चल के देखते हैं दोस्तों रूल्स क्या बोलते हैं। दोस्तों, ये लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी का 2013 का। इसमें देखते हैं इसके लिए रूल क्या है। यहाँ पे ये रूल ये बोलता है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द क्रीमी लेयर स्टेटस ऑफ अ कैंडिडेट
इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ हिज पेरेंट्स एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन स्टेटस और इनकम और ऑन द मैनर ऑफ स्टेटस और इनकम ऑफ हिज और हर स्पाउस. देयरफॉर व्हाइल डिटरमाइनिंग द क्रिमिनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन द स्टेटस और द इनकम ऑफ द कैंडिडेट हिमसेल्फ और हिज स्पाउस और हर स्पाउस शैल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट. यानी रूल ये बोलता है कि जब आप ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के रिजर्वेशन को क्लेम करते हैं तो उस वक्त आपकी जॉब और आपकी इनकम काउंट नहीं होती है और आपके स्पाउस की इनकम और आपके स्पाउस की जॉब भी काउंट नहीं होती है. काउंट होता है आपके पेरेंट्स की इनकम और आपके पेरेंट्स की जॉब. तो वो सारे कैंडिडेट जो ये ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर को अगर अवेल करते थे अभी भी वो ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर को अवेल कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उनका क्राइटेरिया अभी भी ड्राइव होगा उनके पेरेंट्स के स्टेटस से, उनके पेरेंट्स की जॉब से, पेरेंट्स की इनकम से. ये रूल ये क्लियरली ये डिफाइन करता है कि आपकी इनकम, आपकी जॉब, आपके स्पाउस की इनकम और आपके स्पाउस की जॉब आपके स्टेटस को अफेक्ट नहीं करेगी. अगर आप पहले ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर को अवेल करते थे तो आप कर पाएंगे उसके बाद भी, और अगर आप पहले ही ओबीसी क्रीमिलेयर में आते थे तो आप डेफिनेटली ओबीसी क्रीमिलेयर में ही कंटिन्यू रहेंगे. ये एक केस है सुनीता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल हुआ था सुनीता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का. इस केस में जो जो केस का बैकग्राउंड था वो ये था कि जो फीमेल कैंडिडेट थी शी वॉज बॉर्न इन अग्रवाल फैमिली एंड शी मैरिड टू डॉक्टर वीर सिंह हु हैपन्स टू बिलोंग टू जाटव कम्युनिटी दैट इज अ रिजर्व कैटेगरी. यानी जो फीमेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं वो अग्रवाल फैमिली से थी, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती थी. वो शादी उनकी होती है उनके हस्बैंड रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. तो इस केस में शादी के बाद उनका स्टेटस क्या रहेगा, ये इस केस का बैकग्राउंड था. और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको हम रीड आउट करते हैं, पॉइंट नंबर 5 को. इसको पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं फिर इसको डिस्कस करते हैं. देयर कैनॉट बी एनी डिस्प्यूट दैट द कास्ट इज डिटरमाइंड बाई बर्थ एंड द कास्ट कैनॉट बी चेंज्ड बाई मैरिज विद अ पर्सन ऑफ शेड्यूल कास्ट. अनडाउटेडली The appellant was born in Agarwal family, which falls in general category and not in scheduled caste. Merely because husband is belonging to a scheduled caste category, the appellant should not have been issued with a certificate, with a caste certificate, showing her caste as scheduled caste. In that regard, in order of the authorities as well as the judgment of the High Court cannot be faulted. Now, this judgment clearly shows that if a female candidate अब इस केस का जजमेंट ये क्लियरली बताता है कि अगर किसी फीमेल कैंडिडेट ने जिस फैमिली में जो उनका उनका जन्म हुआ है उनकी जो कास्ट है वही कास्ट उनकी शादी के बाद भी कंटिन्यू रहेंगी. अगर कोई एक फीमेल कैंडिडेट है जिनका जन्म एक ऐसी फैमिली में होता है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो शादी के बाद उनकी जनरल कैटेगरी का स्टेटस ही कंटिन्यू रहेगा भले ही उनकी शादी एक ऐसे कैंडिडेट से होती है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि ओबीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमने जो रूल देखा और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी वर्डिक्ट दी है इससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी फीमेल कैंडिडेट जो मैरिड है उनका ओबीसी क्रीमिलेयर और नॉन क्रीमिलेयर का जो स्टेटस है वो उनके पेरेंट्स उनके फादर से ड्राइव होगा, उनके हस्बैंड से नहीं होगा. चाहे वो उनकी कास्ट हो शादी के बाद, चाहे वो उनकी इनकम हो जो उन्हें कोट करनी है वो उनके फादर की होगी, उनके हस्बैंड की नहीं होगी. फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के बाद आपको मैरिड वीमेन के ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर स्टेटस रिलेटेड जो रूल्स हैं उनकी क्लैरिटी होगी. फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा ऐसे कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करके बताएं, और अगर इसके बाद भी कोई पर्टिकुलर क्वेरी आपकी रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको रिप्लाई करूंगा. फ्रेंड्स आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड डू टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद दोस्तों.